हे गाइज हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिब्रेंस। सो गाइज आज ईडी का पेपर हुआ है जो कि 12 मार्च को एग्जामिनेशन था और ये आपका सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स और जो लेफ्ट ओवर ट्रेनीज थे उन सभी का जो है पेपर हुआ है। तो गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो भी मतलब कि दो जो ग्रुप हैं आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप, ठीक है, तो दोनों का इस वीडियो में आप लोग को सोल्यूशन में दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, जैसा कि पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका इलेक्ट्रोप्लेटर लिफ्ट हो गया, फिर एक्सलेटर मैकेनिक, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिर इस तरह से जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ पे ये हो गया। और फिर एक और जो है इसी में मैंने साथ में ही ले लिया है और ये पूरा पीडीएफ है गाइज, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल भी जाएगा। देखिए यहाँ पे फीटर टर्नर मशीनिस्ट ये जो है आपको ग्राइंडर मैकेनिक एमएमबी हो गया, फिर इधर से जितने भी यहाँ ट्रेड आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 1 में है, ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में है और जो है दोनों ग्रुप का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ग्रुप का यहाँ पे वीडियो का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन जो आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप है उसका देख लेते हैं, उसके बाद मैकेनिकल फीटर वगैरह सबका हम लोग देख लेंगे जस्ट इसके बाद। तो यहाँ देखिए ये जो है टोटल यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ की ये फर्स्ट वाला मैं आपको सिंबल बनाना था। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 5 को सॉल्यूशन आप लोग को देना था, तो 10 में से किन्हीं 5 का आप लोग को सिंबल बनाना था। अर्थिंग है, मॉस्फेट है, SCR है, बजर है, इंटरमीडिएट स्विच है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, टू वे स्विच, डायक है, फिर यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर और UJT है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जहाँ की ये देखिए अर्थिंग का सिंबल है, ये आपका मॉस्फेट का सिंबल है, ये बजर का सिंबल है, उसी तरह से इंटरमीडिएट स्विच का ये रहा और टू वे स्विच का ये रहा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर था इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर का, और यहाँ पे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 था, 20 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको बनाना था, जहाँ की ये थोड़ा सा रोटेट आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा ये आ रहा है, तो 2 का देखिए यहाँ पे जो है ये आपका SMPS का यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो गाइज SMPS का कुछ इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनता है, जहाँ की ये जो है वोल्टेज आपका है और यहाँ पे सिंप्लीफाइड नेटवर्क है, फिर इसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक है, फिर ऑसिलेटर है, ठीक है, और ये आउटपुट हो गया। गाइज इसका जो है पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्किट डायग्राम जो 3 पॉइंट स्टार्टर का बनाना था, ठीक है, या फिर यहाँ पे FM रेडियो रिसीवर का बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे हम जो कि आपका ये देख लीजिए आपका FM रेडियो रिसीवर का ये जो है ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, जहाँ की FM एम्पलीफायर है, मिक्सचर है, लोकल एक्सीलेटर है, ठीक है, ऑसिलेटर है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए ये FM का पूरा जो है डायग्राम था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे और वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं है, बट जो है ये आपका सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया किसका, तो ये इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का, ठीक है, मतलब ग्रुप नंबर 2 का। चलिए आ जाते हैं ग्रुप नंबर 1 में, जहाँ की फीटर वाले सब कैंडिडेट्स का क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे। यहाँ भी 50 नंबर का था, ये भी 12 तारीख को आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 2:30 बजे से जो पेपर था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे फ्री हैंड डायग्राम में हेक्सागोनल नट, फिर उसके बाद फाउंडेशन बोल्ट और गिब की का बनाना था, कोई 2 बनाना था, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए 2 का ए नंबर, ठीक है, ये हो गया हेक्सागोनल नट, आपको इस तरह से कुछ डायग्राम इसका बनाना था, जूम कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले पाइएगा। उस तरह क्वेश्चन नंबर जो 1 का सी वाला पार्ट, ठीक है, गिब हेड की, तो ये हो गया गिब हेड की जो मतलब 1 का सी हो गया, ठीक है, ये वाला आपको डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब गाइस बिल्कुल कीजिएगा, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि इतना मेहनत के लिए हर अपडेट आप लोग को ITI जुड़ी देते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो है यहाँ पे जो है आपको सारा अपडेट्स मिलता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ बट जॉइंट, ठीक है, डबल रिमिटेड, मतलब यहाँ पे आपको बट जॉइंट का फ्री हैंड स्केच बनाना है। तो 2 नंबर देखिए गाइस यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा दूँ मैं आपको, तो जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये रहा आपका 2 नंबर, ठीक है, ये भी आपको बनाना था और ये वाला जो है ये वाला पार्ट भी आपको बनाना था। तो ये डबल रिवेट बट जॉइंट गाइस ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसको बना सकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ बना था ड्रॉ एलिवेशन ऑफ असेंबल्ड फ्लैंज्ड कपलिंग, ठीक है, इसका आपको एलिवेशन बनाना था, मतलब कि इसका एलिवेशन करने मतलब क्या हुआ कि इसका आपको जो है टॉप फ्रंट व्यू बनाना था, ठीक है, फ्रंट व्यू इसका आपको बनाना था इस डायग्राम का फ्रंट। तो अच्छा खासा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप लोग देख लीजिए सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका सोल्यूशन देखिए गाइस ये है इसका सोल्यूशन, ये तो शायद इस तरह से इसको थोड़ा रोटेट करता मैं तो ज़्यादा बेटर रहा था,
तो खैर कोई नहीं, ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना था। और ये आपका जो है टॉप व्यू है, जो कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम में है। और इसको आप लोग जो है बेटर होगा कि ये पूरा अच्छे से आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं कर दिया हूँ, ये पूरा पीडीएफ आपको मिले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो है इसका ये भी सॉल्यूशन आपने आपको मैंने दे दिया। तो और जो फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन है वो भी आप लोग को चैनल पर डाले हुए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के कोई विद्यार्थी हुए तो उनको लिंक सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड स्क्रीन पे आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइस सारे सॉल्यूशंस आप लोग इस तरह से यहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आईटीआई से रिलेटेड, और जितने भी अपडेट्स हैं आईटीआई से जुड़ी सभी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली जानकारी में। और भी अदर जो सीबीटी एग्जामिनेशन जिनका बैक पेपर लगा हुआ है, सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे जो जनवरी फरवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारा अपडेट आप लोग को चैनल पर मिलेगा। जो जो क्वेश्चन पूछा गया फिर वही सब क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में, और जो है इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।